वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लेके रखा है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करेंगे और साथ साथ मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा जो जो टिप्स आपको चाहिए, तो फिर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। चलिए, इसमें एक बिल्डिंग है, ठीक है, टावर ऐसे रहेगा, क्लिफ रहेगा, तो उसमें क्या करना है कि हमको उसको वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करना है ना, बिल्डिंग, टावर, पोल्स, तो ये सब रहेंगे क्वेश्चन में। अभी टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, ये इधर मैं ले लिया, तो मैंने दो पॉइंट ले लिया, चलिए पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि पी से आपको देखना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो जब आप ऊपर देखते हैं यहाँ से नीचे से, तो क्या होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। किसको? ये आपका आई लेवल हो गया, ठीक है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप क्या देख रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और हमेशा आँख के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। देखिए, और वैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में आप जाएंगे तो उस समय में देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तभी मैं बताऊंगा। तो अभी हमेशा याद रखिए, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपकी आँख से आपका लाइन ऑफ साइट किधर देख रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी जैसे दो पॉइंट से आपको देखना है तो आप जाके यहाँ पर भी देखना है, तो एक बताता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है किधर में 30 डिग्री होगा, विच वन विल बी 60, विच वन विल बी 30, तो ये आपको डिसाइड करना है। ये भी यदि आप गलत डिसीजन लिए तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो इसलिए हमेशा जो अंदर की तरफ जो होता है वो बड़ा एंगल होता है, और बाहर की तरफ देखिए छोटा एंगल हो गया, है ना, तो ये 30 डिग्री, तो याद रखिएगा। तो पोल के, टावर के, बिल्डिंग, क्लिफ, उसके जितने दूर होंगे उतना कम एंगल होगा एलिवेशन, तो इसलिए ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी 10 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये 10 मीटर है। अभी आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये निकालना है, तो इसको एक्स ले लिया मैंने क्योंकि ये निकालना है, और हम इसको वाई ले लेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी देखिए, सो लेट, या नाम दे सकते पी क्यू आर एस, लेट आर एस बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर एंड पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, सच दैट। तो यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, एस पी आर 30 डिग्री, एस क्यू आर
ये 60 डिग्री, तो कुछ डिस्क्रिप्शन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेट पी क्यू बी एक्स मीटर एंड क्यू आर इक्वल टू वाई मीटर। अभी ये लिखने के बाद अभी आपको ये एक्स निकालना है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये जो एक्स है ये बेस के तरफ है, इसलिए मैंने ये अभी जब ट्राइंगल लेंगे तो एक राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, तो इसलिए पूरा बेस चाहिए ये ट्राइंगल लेने से, तो इसलिए इसको वाई ले लिया मैंने। और अभी हम क्या करेंगे, एक डिसाइड करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, इनमें से कौन सा लेना है बेसिक्स। तो आपको मालूम है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्नड परमानेंटली ब्लैक। अभी जैसे ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। अभी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस से कुछ लेना देना नहीं है, ना इससे लेना देना है ना इससे लेना देना है, तो आपको ये दोनों इस हाइपोटेन्यूस को लेना ही नहीं है, तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा आप नहीं लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड है। और हमें दिया गया है बेस, हमें दिया गया परपेंडिकुलर, और हमको चाहिए बेस के साइड का ये डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा रेशियो सिलेक्ट करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 10 बाई y, 10 60 होता है √3, सो 10 बाई y, तो y इज इक्वल टू 10 बाई √3। अभी इसको रैशनलाइज करना है, सो 10 √3/3 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो एस क्यू आर, आप चाहे तो एस पी आर भी ले सकते हैं, और हमेशा राइट ट्राइंगल लेना है, जैसे आप एस पी क्यू नहीं ले सकते इसमें डायरेक्टली, तो राइट ट्राइंगल लेना है, तो एस क्यू आर लिया मैंने, इसमें 10 60 लगाते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस 10 बाई y, तो 10 60 का वैल्यू √3, और ये y निकाल लीजिए, क्योंकि सॉरी y वेरिएबल है। अभी इन ट्राइंगल ये ले लेंगे, एस पी क्यू ले सकते हैं, नहीं कोई फ़ायदा नहीं, एस पी आर, तो इसमें भी हम 10 लेंगे, 10 30 डिग्री। तो अभी जब 10 30 लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर होगा ऑपोजिट 10, और बेस ही पूरा लेना याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसलिए वाई मत लीजिएगा या एक्स मत लीजिए, तो ये पूरा लेना है, यहाँ से तक तो एक्स, यहाँ से तक तो वाई, तो एक्स प्लस वाई, और 10 30 हो गया 1/√3, 10 बाई x प्लस y। फिर इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 10√3। फिर आपको y का वैल्यू क्या है उसका इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, फिर x प्लस 10 बाई 10√3/3, तो यह आ गया, देख लीजिए। अभी यहाँ पर y का वैल्यू हमने लगा दिया इसमें, क्योंकि देखिए आपको y नहीं निकालना है, x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू, और y हम क्योंकि पूरा बेस लेना पड़ता है, इसलिए इसको भी डिस्टेंस y लेके हम करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अभी ये सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब नंबर्स है, तो इससे x निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, अभी इसको हमने सॉल्व किया, तो एलसीएम लेना है 3 आएगा, फिर 30√3 − 10√3 ये आ जाएगा 20√3, है ना, क्योंकि √3 √3 है,
तो ये 1020 रूट थ्री आएगा। रूट थ्री का वैल्यू 1.732 था, अभी हमने लिखा 11.546। आपको जब करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस बोला जाता है ना, तो अब क्या करना है, आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस में निकालना है, फिर एक राउंड कर देना। तो इसमें आ जा रहा है 11.546 इज इक्वल टू 11.55, क्योंकि सिक्स को एमिट करना पड़ेगा एलिमिनेट, तो ये फाइव हो जाएगा। तो 11.55 मीटर ये एक्स का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बताया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक हिल बताया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अभी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो मान लीजिए एक ही साइड में, ड्यू ईस्ट मतलब एक ही साइड में लेना है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, तो मैं इधर ले जाता हूँ। अब चाहे तो इधर में हिल बना के इधर में जो किलोमीटर स्टोन्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड में लेना है। और जैसे ये दो है, दो किलोमीटर स्टोन्स, अभी जैसे रास्ते में हम लोग को दिखता है ना, जैसे हम जब जाते हैं रास्ते में, तो यहाँ पर साइड में ऐसे करके लिख रखता है ना, दिल्ली 1 किलोमीटर या दिल्ली 5 किलोमीटर्स। तो कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, मतलब यदि यहाँ से आगे 56 किलोमीटर है, तो यहाँ से आगे 55 किलोमीटर होगा, तो ये कंजिक्यूटिव हो गया। तो इनके बीच में क्या है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 1 किलोमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पी और क्यू, और ये ऐसे है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन में बताता हूँ। जैसे आप छत से कुछ नीचे देख रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो आपका लाइन ऑफ साइट ऐसा रहेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा रहेगा। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इधर वाला नहीं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट होता है। इसमें ऊपर से नीचे होगा डिप्रेशन, और एलिवेशन माने नीचे से ऊपर, ये याद रखना। तो यहाँ से आप ये 2 किलोमीटर स्टोन्स जो है ना, 2 किलोमीटर स्टोन्स को देखेंगे, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेना है। कितना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 45, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा और ये 45 होगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेना है, इसके साथ नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल के साथ आपको लेना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45। अभी अल्टरनेट एंगल यदि आप लेते हैं, तो ये 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा और ये 45 डिग्री इधर में आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दिस आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स, दिस ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, तो पैरेलल हो गया, तो ये 30, तो ये भी 30, ये 45, तो ये 45। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं। अभी देखिए ये हमको मिला है, अभी बेस, ठीक है, बेस मिला है, और ये जो है इसको भी हम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ना हाइट ऑफ द हिल जो है, ये हाइट ऑफ द हिल जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसको लेके एच लेके कर लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूस छोड़ दीजिए, इसको हाइट, ये एच मतलब हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस छोड़ दीजिए, तभी यहाँ पर पी क्यू आर एस, सो लिख सकते हैं लेट एच बी द
हाइट ऑफ द हिल एंड पी एंड क्यू बी द कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टॉन such that PQ is equal to 1 kilometer. I will let QR is equal to x kilometer. इसको भी किलोमीटर में ले लीजिए तो यूनिफॉर्म रहेगा. ओके, तो यहाँ भी आप किलोमीटर में ले सकते हैं. चलिए ठीक है, ये x किलोमीटर हो गया. अभी हमारे पास डायग्राम रेडी है. अभी हमको क्या करना है, ट्राइंगल ले लेना है. अभी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स है इसमें, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया. तो ये ट्राइंगल ले लेते पहले. सो इन ट्राइंगल एस क्यू आर, तो हमारे पास क्या है, ये एंगल है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. तो यह भी हम टैन ले लेंगे. सो टेन 45 इज इक्वल टू एच बाई एक्स. सो 1 इज इक्वल टू एच बाई एक्स. सो एच इज इक्वल टू एक्स. ओके, तो ये एक इक्वेशन ले लेंगे. तो ये रिलेशन आ गया. तो अभी हमने क्यों 10 लिया, तो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड है, हाइपोटेन्यूज से लेना देना नहीं है. अभी दूसरे ट्राइंगल में ले लेते हैं एस पी आर. फिर से ध्यान दीजिए, पूरा लेना पड़ेगा, एस पी क्यू लेने से नहीं होगा. एस पी आर ट्राइंगल एस पी आर, तो 10 30 लेना पड़ेगा. जब 10 30 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर एज और बेस पूरा लेना है. देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरा ये ट्राइंगल लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स. तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 एच 1 प्लस एक्स. तो अभी इसको सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस एक्स सॉरी इज इक्वल टू √3 एच. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. अभी हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट हिल, यदि हम फुट हिल से ये स्टोन्स का डिस्टेंस निकालना, तो हमें एक्स निकालना. तो एच अब हम एलिमिनेट कर देंगे, तो एच के बदले में हमारे पास क्या है, एक्स है. तो ये आ जाएगा एक्स, तो आ गया एक्स माइनस √3x इज इक्वल टू -1 कर दीजिए. और इसको तो इसको हमने सॉल्व किया, तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है. जब भी नीचे रूट आएगा तो हमेशा रैशनलाइज करके वैल्यू पुट करना है. नीचे कभी भी वैल्यू पुट मत कीजिएगा. सो -1/(1 - √3) 1 प्लस √3/(1 + √3). देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस लेके करेंगे. ठीक है, अभी इसके बाद 1 - √3 1 + √3, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3. तो ये आ गया, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए. अभी √3 ऊपर में आ गया, अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं. वैल्यू पुट करके आ गया 1.366. तो ये एक्स आ गया. तो एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन किलोमीटर स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल. तो ये एक्स है, ये हमको चाहिए. तो पहला आंसर आ गया. देखिए तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द फुट हिल इज 1.366. ये जो एक्स आया. तो अभी फिर ये पी से क्या डिस्टेंस होगा, पी से लेकर आर,
हम देख सकते हैं यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है इज ऑलरेडी गिवन। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए था, एक्स निकल गया तो ऐड कर देंगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट हिल इज़ 1 + 1.366 एस 2.366 किलोमीटर। तो हम सब किलोमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी किलोमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम करेक्टली बनना चाहिए। और डायग्राम बनने के बाद आपको एक एक ट्राइंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। तो ये दो क्वेश्चन में मैंने टेन लगाया, इसका जरूरी नहीं है कि टेन ही लगेगा हमेशा, साइन कॉस से कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप देखना है कि कौन से साइड्स हमको ज़रूरत है और दिया हुआ है रिलेटेड है वो उसके हिसाब से हमको लेना है। परपेंडिकुलर बेस तो ये टेन लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज से लेना देना नहीं है, तो साइन भी नहीं लगेगा कॉस भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा टेन ही लेके करेंगे, सभी लग सकते हैं, ज़्यादातर टेन लगता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। और आपके टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कीजिए, और क्योंकि ये कंपलसरी ये आएगा, क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, तो आना ही है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिवाकर फिजिक्स।